My name is Jaspreet and I am coming all the way from Delhi. I am 27 years old. And I have realized one thing about my life, that my dad is always talking to me in loops. Like, dads never say one thing one time. Like, they keep on repeating it. And when you are 27, you are good looking and you are earning well. So dad ki loop hoti, beta, thode paise FD mein dal de. Beta, thode paise PPF mein dal de. So main kuch din pehle utha, I was getting ready for my office. Dad ki call hai, kere beta, main soch raha tha, bachcho ki thodi saving honi chahiye. Thode paise na PPF mein dal de. Main papa tension na liya karo yaar. लौंडा जवान हुआ है, अयाशियाँ करने क्या बात कर रहे हो? नहीं बेटा, पैसे जोड़ो, कल को बहू आएगी, चार पैसे हाथ में होंगे, काम आ गए. पापा टेंशन ना लिया करो यार, मैं देख लूँगा, मैं इंडिपेंडेंट लौंडा, मैं देख लूँगा. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट वेन एवर यू डिसएग्री विद योर फादर, ही नेवर सेज ओके. व्हाट ही सेज इज चलो. जैसे तुम्हें ठीक लगे, विच इज जस्ट अ डिसेंट वर्जन ऑफ बेटा गो फक योरसेल्फ. कल को फटेगी, मेरे पास मत आना. तो आई वेंट टू माय ऑफिस, आई केम बैक होम, आई वाज वाचिंग टीवी, हैविंग डिनर, सडनली मैं डैड को कॉल करी, मैं पापा वो 50,000 डाल दिए पीपीएफ में. ऐसी मेरी कोई अंतरात्मा नहीं जागी थी, सेट मैक्स पे बागबान लगी हुई थी यार. बागबान मूवी है, साली गिल्ट ट्रिप है यार. उस मूवी को आज 14 साल हो चुके हैं, मेरे डैड आज भी वो मूवी ऐसे देखते हैं, जैसे मूवी खत्म होते हैं उनको घर से निकालने वाले हम लोग. यहाँ पे आया दी एंड, चलो पापा निकलो, शाबाश. हाँ बैग ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैग ले जाओ. अच्छा बात सुनो, वो दरवाजा बंद कर देना चाहते हो. इतनी फीलिंग यार बागबान से, मुझे पता बेइज्जती होनी है, जब बागबान लगी तुम्हारी बेइज्जती होनी है. मैं मूवी छोड़ के कमरे में आके बैठा हूँ शांति से, जैसे मूवी खत्म होती है मेरे कमरे का दरवाजा स्लो मोशन में खुलता है, आहट वाली फीलिंग, पीछे पीछे मम्मी सपोर्टिंग रोल में मेरे बेड के कोने पे आके मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं, हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी. मैंने किया क्या अभी? पीछे से मम्मी ऐड ऑन कर देती, अरे छोड़ो जी, इन बच्चों ने हमें देना ही क्या है. मैं यकीन मानना, बागबान देखने से पहले मुझे आइडिया भी नहीं आया था कि माँ बाप को निकाला भी जा सकता है. इतनी फुद्दू मूवी है ना बागबान. अच्छा उसमें कंसेप्चुअल एरर है, ठीक है, उसमें इतनी बड़ी एरर है कोई पकड़ता नहीं. अमिताभ बच्चन के चार बच्चे, चार ही फुद्दू. अच्छा पांचवा सही है, ठीक है पांचवा सही है, वो उसने कहीं और से अडॉप्ट किया है, तो सारी दिक्कत अमिताभ बच्चन में भी तो हो सकती है. पीछे पड़े रहते यार मम्मी डैडी, सेविंग कर लो, सेविंग क्या करूँ पैसे बचा के यार. तो देखो हर लड़की की लाइफ में एक टाइम आता है व्हेन यू आर रेडी टू कन्फ्रंट योर फादर फॉर अ मैन टू मैन टॉक. तो मेरी लाइफ में वो टाइम आया 1.5 साल पहले. आई वॉकड अप टू माई डैड, माई पापा, अब वो टाइम आ गया जिसके लिए हम लोग पैदा होते हैं. कह रहे क्या? मैं पापा वो बुलेट लेना है. कह रहे कितने का आएगा? मैं पापा 1.5 लाख. 1.5 लाख? बेटा यही पैसे अगर तू एफडी में डाले तो 8% के हिसाब से 4 साल में 2 लाख हो जाएंगे. मैं पापा आपकी बात तो सही है मगर एफडी पे बैठ के ऑफिस जाऊंगा अजीब ही लगूंगा. कहां से लाते हैं माँ बाप गरीबों वाले रीजन इतने? इतनी महंगी चीज इतने में तो वो आ जाता, अरे वो चाहिए नहीं मेरे को. 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, इतने में सेकंड हैंड ऑल्टो आ जाती है. मैं कहा पापा इतने में जायदाद के नकली पेपर बन जाते हैं. And you know, growing up, we kids have a problem in eating a few things. Like, बच्चे कुछ फुद्दू चीज़ होती है, टिंडे तोरी कद्दू चीज़ें नहीं खाते बच्चे. I always had a problem with milk. मेरे को दूध कभी टेस्टी नहीं लगता था. And mom and dad both tried to convince me to have milk. But that was the moment I realized that mom and dad are two very different characters. Like, mom is like an HR, whose job is to give you incentives to get the work done. And dad is like a boss. के पैंचो, मेरे को नहीं पता, मेरे को काम चाहिए शाम तक. तो मम्मी एचआर बोल रही बेटा दूध पी ले, मैं कहा नहीं पीना. बेटा बॉन में डाला के दे दूंगी, इतना टेस्टी होगा, एक सिप में पी जाएगा. मैं नहीं पीना. डैडी अबे पी ले, लोगों को दूध पीने को नहीं मिलता. तो ये तो लोगों की प्रॉब्लम है ना. और लोगों को दूध पीने क्यों, सालों को बोलो बंटा पिए. मगर सीन अभी चल रहा है, ठीक है, मम्मी अभी भी एचआर, बेटा तो दूध नहीं पिएगा तो टॉल और स्ट्रांग कैसे होगा, तो दूध पी ले क्लास में फर्स्ट आएगा, सारी गेम्स खेल लेगा, तो सारी गेम. नहीं पीना यार, बोल दिया एक बार. डैडी अबे पी ले, 50 रुपए लीटर हो गया है.
यार पैसों की बात थोड़ी है, इस हिसाब से शराब तो 5,000 की भी आती है। डैड लाइक, बेटा शराब 5,000 की, शराब का रेट तुझे कैसे पता है? और यही पैसे अगर तू FD में डाले, मैं पागल हो गया यार तुम लोग, क्या चल रहा है तब से, कुछ भी बनवा रहे यार मुझसे। बट डोंट टेक मी रॉन्ग, ठीक है, आई सी कपल ऑफ फादर्स इन द रूम, डोंट टेक मी रॉन्ग, आई थिंक दैट इंडियन फादर्स आर मोस्ट केयरिंग पीपल इन द वर्ल्ड, यस। चलो अच्छा, तुम्हारे भी हैं केयरिंग, गुड टू नो दैट। दे आर सो केयरिंग दैट नॉट ओनली दे थिंक अबाउट अ प्रोफेशन फॉर यू, दे ऑल्सो थिंक अबाउट एन ऑल्टरनेट प्रोफेशन फॉर यू। लाइक ये तुम तब करोगे जब तुम पढ़ोगे नहीं तो। हर बाप का होता है कि बेटा अगर तू पढ़ेगा नहीं ना तू रिक्शा चलाएगा, बेटा तू नहीं पढ़ेगा ना तो सफेद पेंट देख लगेगा, तू बूट पॉलिश करेगा। उस तरह मेरे डैड का होता था, बेटा अगर तू पढ़ेगा नहीं ना तो तू कुलचे छोले बेचेगा। एंड आई ऑलवेज थॉट कि हम लोग कितने पंजाबी हैं, तुम देख रहे हो, बच्चा अनपढ़ रह जाए कोई दिक्कत नहीं, मगर कुलचे छोले से दूर नहीं होना चाहिए भाई साहब। अच्छा, इस बात ने मेरी मेंटल कंडीशनिंग इस तरह से कर दी, दैट वेन एवर आई सी अ कुलचे छोले वाला, आई एम लाइक भाई तेरा भी AI EEE क्लियर नहीं हुआ। My name is Jaspreet Singh. Have a good night.